हेलो एवरीवन, हेलो मैम, वी आर फाइन। हाउ व्हाट आर अबाउट यू यू? ऑल? हेलो मैम, आई एम ऑल्सो फाइन बेटा, थैंक यू एंड आई वेलकम यू इन द किचन। फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस पोयम फ्रॉम चैप्टर नंबर 6, लाइफ इज कार्ड। आप लोगों ने ऑलरेडी वीडियो देखा जो अब मॉर्निंग में अपलोड किया गया है ना? तो आई थिंक आप सभी को यस मैम, पोयम पोयम जो है लाइफ इज कार्ड अच्छे से समझ में आया होगा। यस और नो? यस मैम, तो कैन यू टेल मी व्हाट यस इज द मैम, थीम ऑफ दिस पोयम? क्या समझा आपने यस पोयम से मैम। अभिषेक? थीम ऑफ दिस पोएम इज दैट मैम, ऑन होम वी बिलीव मोर दैट दे गिव अस पेन एंड द स्ट्रेंजर गिव्स अस पेन वी फॉरगेट इन सम डेज, बट व्हेन ओन गिव द पेन दैट इज नेवर फॉरगेट। ओके, मीन्स द हर्ट एंड पेन दैट आर गिवन अस बाय आवर लविंग वन वी वोंट फॉरगेट, है ना? हम नहीं भूलते। अगर कोई स्ट्रेंजर हमें तकलीफ देता है तो हमें भूल जाता है, बट अगर हमारे अपने कोई दर्द देते हैं तो हमें नहीं भूलता है। और ये भी है, इट्स द फैक्ट ऑफ द लाइफ, जिस पर हम ज्यादा भरोसा करते हैं, है ना, वही हमें सबसे ज्यादा रुलाता है। क्यों ऐसा क्यों होता है मुस्कान? मैम बिकॉज वी बिलीव ऑन देम वेरी मच। यस, बिकॉज वी ट्रस्ट ऑन देम वेरी मच। हम उनसे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं और हमारी जो ये होप है, जो उम्मीद है, जब टूटती है तो हमको बहुत ज्यादा पेन होता है ना? यही पोयम यस मैम, पोयम का जो है वो फैक्ट है। और ये मतलब जो पोएटस है इस पोयम को कंपोज करने वाली, कैन यू टेल मी हु द पोएटस, हु इज द आथर ऑफ दिस पोयम? यस मैम, यस, मैम टेल इला पोयम। व्हीलर व्लॉग्स। इलाविलर ब्लॉक्स। ओके, तो इन्होंने लाइफ की जो रियलिटी है उसको इन्होंने अपने पोयम में रिफर किया है। ओके, तो चलिए मैं आपको भी कुछ क्वेश्चंस भी हमने पोयम के वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोग से पूछा था, है ना, तो मैं आपको भी बुक शेयर करती हूँ और वही क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे पहले, उसके बाद आगे की चीजें डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो, किसी भी स्ट्रेंजा में अभी आपको अगर वीडियो से समझ में ना आया हो तो यू कैन आस्क टू मी। आई थिंक वो क्लियर तो सभी को हो ही गया होगा, है ना? यस मैम, मैम हमको किसी पॉइंट को नहीं समझ में आया था। बेटा, किसको नहीं समझ में आया? अभिषेक को? अभिषेक, यस मैम, आपको पॉइंट समझ में नहीं आया? मीन्स मैम इट इज थर्ड स्टैंजा। थर्ड स्टेंज। ओके ठीक है, अभी थर्ड स्टेंज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आई थिंक सभी को यहाँ पे स्क्रीन पे बुक समझ बुक दिख रही होगी। यस मैम, चलिए, तो लाइफ इज कार्स पोयम की यस जो पोएटिस है, मिस आथर है, वो है एला विलर विलकॉक्स। एंड ये इन्होंने लाइफ की जो रियल फैक्ट है, मीन्स ऐसे लोग हमारे अपने जो हमसे बिलोंग करते हैं उनसे हमें ज्यादा तकलीफ मिलता है ना? इन्होंने इसी चीज को यहाँ पे रिफर किया है। तो हम देखते हैं यहाँ पे, पेन एंड हर्ट आर मच अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, जॉय एंड एज द जॉय एंड हैप्पीनेस। मीन्स हमारे लाइफ का, जैसे कि जॉय और हैप्पीनेस जो कि हमारे जीवन का एक हिस्सा होता है, ऐसे ही दर्द और तकलीफ भी हमारे लाइफ का एक हिस्सा होता है कि नहीं? यस मैम, अगर हमारी लाइफ में तकलीफ ना यस हो, मैम, दर्द ना हो, पेन ना हो, तो हमें रियलिटी जो है लाइफ की वो समझ में नहीं आएगी। हमें लोगों की मतलब एज अ ह्यूमन बीइंग, जो ह्यूमैनिटी है और जो ह्यूमन की क्वालिटी है और जो नेचुरल क्वालिटी जो गॉड ने सबको प्रोवाइड किया है, वो हमें समझ में नहीं आएगा, है ना? इसलिए जीवन में, लाइफ में सुख और दुख, ये दोनों हमारे लाइफ के, एक कह सकते हैं, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ना? एंड इट इज इनविटेबल दैट वी गेट स्केयर्ड अ लिटिल ऑन अवर वे थ्रू लाइफ। और ये भी है कि हमें दर्द मिलता है, हमें तकलीफ मिलता है अपने लाइफ की जर्नी में, हमें कई सारे तकलीफ मिलते हैं, कुछ हम भूल जाते हैं और कुछ हमें हमेशा के लिए याद रहते हैं। अभी से पढ़ने समझ में आ रहा है बेटा?
Yes, ma'am. And think of five things your best friend could do that would anger or hurt you deeply. You have to think. ऐसी कोई पांच चीजें, ठीक है, जिसकी वजह से आपका बेस्ट फ्रेंड, आपके बेस्ट फ्रेंड ने कभी आपको क्रोध दिलाया हो या फिर आपको डीपली हर्ट किया हो, आपको वो शेयर करना है. यू हैव वन मिनट, थिंक एंड रेज योर हैंड. कभी ऐसा हुआ है आपके बेस्ट फ्रेंड ने आपको आपको क्रोध दिलाया हो, आपको गुस्सा दिलाया हो, या फिर आपको इतनी ज्यादा तकलीफ दी हो जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा पेन फील हुआ हो? रत्नेश, रतीश आपने वीडियो नहीं देखा है, पहले पूरा वीडियो देखो, उसके बाद सेशन ज्वाइन करिए. मैंने चेक किया, लीड द सेशन एंड वॉच द फुल वीडियो ऑफ दिस पोयम, उसके बाद आप लोग सेशन ज्वाइन करिए. चलिए बेटा, कौन बताएगा हमें? सभी को बताना है बेटा, आप सभी को. ऐसा तो जरूर कभी ना कभी हुआ ही होगा ना कि हमारे बेस्ट फ्रेंड ने हमें कभी बाई चांस कोई गुस्सा दिलाने वाला काम कर दिया हो, जिसे आपको चोट पहुंची हो. मुस्कान, मैम माय बेस्ट फ्रेंड नेवर हर्ट और एंगर्स मी. कभी भी नहीं हुआ ऐसा? अच्छा, कोई भी आपका अपना, कोई भी आपका अपना जिसने आपको कोई कभी तकलीफ दी हो, एक पल के लिए भी आपको वो ऐसा फील हुआ हो? नो. No, ma'am. Anybody else? Abhishek disconnect हो जा रहा है. ओके अभिषेक पांडे, यू टेल. बेटा कोई अपना वीडियो ऑफ नहीं रखेगा, सभी का वीडियो ऑन होना चाहिए. अभिषेक यादव बेटा, टेल. ऐसा कभी हुआ ही नहीं है. चलिए अच्छी बात, आप लोग अभी बहुत छोटे हैं, लाइफ की जर्नी जो है वो बहुत बड़ी है. कभी ना कभी ऐसा हो, सभी के साथ होता है. ओके, जब भी आपको समझ में आएगा फिर मुझे मुझसे अपनी ये बात शेयर करना. ओके, आगे हम बढ़ते हैं. ऐसे ही नो, थिंक ऑफ फाइव थिंग्स अ कंप्लीट स्ट्रेंजर कुड डू दैट कुड एंगर और हर्ट यू, या फिर कोई अजनबी हो जिसने आपको कभी नुकसान पहुंचाया हो, चोट पहुंचाया, उसकी बात आपको बुरी लगी हो. ऐसा हुआ है कभी कोई अजनबी जिसको आप ना जानते हो, उसने आपको किसी बात को लेकर कष्ट दिया हो? बेटा सभी का वीडियो ऑन होना चाहिए. ओके, तनवीर, मुस्कान, उत्कर्ष, गौरव, सब साइलेंट हैं. चलिए ठीक है, इसको भी आपके माइंड में जब आएगा कभी ऐसा होगा, ऐसी सिचुएशन, तो वो शेयर करना. ओके, क्योंकि इस क्वेश्चन से आपको ये क्वेश्चन भी सॉल्व करना रहेगा, सोचना, फिर इसको कंप्लीट करना. ओके, तो ये पोएम जो है इसी सेंस पे है. एंड अभिषेक को आई थिंक सभी को सारे स्ट्रिंग्स क्लियर होंगे क्योंकि आप सभी ने वीडियो देख रखा है ना? यस मैम. स्ट्रिंजर नंबर थर्ड में कंफ्यूजन है अभिषेक को, तो मैं स्ट्रिंजर नंबर थर्ड में आपको समझा देती हूँ. बेटा यहाँ से ना द चॉइसेस ग्रैब द स्वीटेस्ट ग्रेस और ऑफ द स्ट्रेंजर सोन द केयरलेस मीन द प्रोनिंग फेस, है ना अभिषेक? अभिषेक पांडे, इज हियर? डिस्कनेक्ट हो गया. ओके, तो यहाँ पे है क्या, द चॉइसेस ग्रेट, मतलब सबसे अच्छे कपड़े, स्वीटेस्ट ग्रेस, कृपा दिखाना कि वो आपको बहुत आपके पर कृपा कर दिए, सपोज अगर आपके कभी किसी ने हेल्प किया हो, किसी अजनबी ने, तो ये सारी चीजें अक्सर कौन करता है हमारे लिए? अजनबी, है ना, अच्छा बनने के लिए करते हैं कि नहीं? होता है ऐसा, जब लोग नए नए होते हैं जिसको आप ना जानते हो, तो मन में जगह पाने के लिए लोग ऐसा करते हैं ना कि
आपके लिए बहुत अच्छी चीजें करेंगे, है ना। ऐसे ही द केयरलेस मेन, मेन में होता है दिखावा, द फ्रोनिंग फेस गुस्सा करना, कभी कभी दिखावा ना करना, आर गिवन टू अवर ओन, ये हमारे अपने करते हैं हमारे साथ, है ना, क्योंकि वो अपने होते हैं, कभी गुस्सा करते हैं कभी खुश हो जाते हैं, है ना। एंड वी फ्लैटर दस वी स्कार्सली नो वी प्लीज द प्लेटिंग गेस्ट वी फ्लैटर दोज, फ्लैटर मीन्स क्या होता है उत्कर्ष, उत्कर्ष व्हाट द मीन ऑफ फ्लैटर, नहीं पता अनुराग, फ्लैटर मीन्स फ्लैटरी हमने बढ़ रखा है, अभिषेक चापलूसी बेटा बी लाउड मैम, चापलूसी यस, चापलूसी करना, किसी की हाँ में हाँ मिलाना, है ना, फ्लैटर। अक्सर हम ऐसे लोगों को, मतलब जिसकी कार्सली बहुत ही कम जानते हैं, है ना, उन लोगों की हम चापलूसी करते हैं, उनकी हाँ में हाँ मिला देते हैं। वी प्लीज, प्लीज मतलब खुश करना, हम ऐसे लोगों को खुश करते हैं जो फ्लिटिंग, मतलब सपोज दैट हमारे घर में कोई गेस्ट हो जो कम समय के लिए आए हैं, उनके लिए हम बहुत ज्यादा फॉर्मल होते हैं, होते हैं कि नहीं, अरे उनको ऐसा कोई कष्ट ना हो, है ना, दो ही चार दिन के लिए आए हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। हमारी, हम सभी की ह्यूमन बींग की हैबिट होती है जो कम समय के लिए होते हैं उनको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, इसलिए कहते हैं ना नया नया जो 9 days के लिए होता है, जो पुराना होता है वो हमेशा के लिए होता है, ये लोग कहावत भी कहते हैं, है ना। लेकिन हम फिर भी हम ऐसे लोगों की हम खुशामदी करते हैं। एंड डील फुल मेनी अ थॉटलेस ब्लो टू दोज हु लव अस बेस्ट, लेकिन ऐसे लोग जिसको हम बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, जो हमें बहुत ज्यादा चाहते हैं, उनके लिए हमारी जो भावनाएं हैं वो उमड़ती हैं, थॉटलेस ब्लो, ओवरफ्लो होता है भावों का, इमोशंस का, है ना। अपनों के साथ हमेशा करते हैं ना जिसको बहुत ज्यादा पसंद करते हो, होता है कि नहीं प्रखर, उत्कर्ष आप बताइए, ऐसा होता है नहीं, आपके जो अपने हैं जिसको आप बहुत ज्यादा पसंद करते हो उसके लिए आपकी बहुत ज्यादा भावनाएं होंगी, उनके बिना आप रह नहीं पाएंगे, है ना, तकलीफ होगी उनके जाने से। बेटा आप लोग बात शेयर नहीं करेंगे तो मैं पढ़ाऊंगी कैसे, यस ये सही फैक्ट है या नहीं। यस मैम, यस मैम, है ना, तो यही था मतलब स्टेंजा का मतलब यही हुआ, ओके। एंड लव डज नॉट ग्रो ऑन एवरी ट्री, मतलब ये यहाँ की लाइन क्या है कि जो लव है, जो सच्चा एंड सेल्फलेस जो लव होता है वो हर ट्री पे नहीं लगता, कहने का मीन्स ये है हर इंसान के हृदय में, हर पर्सन के मन में सच्चा प्यार नहीं होता, सच्ची भावनाएं नहीं होती हैं, है ना। लोग आजकल के माहौल में लोग क्या करते हैं कि मिलते हैं भूल जाते हैं, है ना, अपना काम बन जाए बाकी और दूसरों की से कोई मतलब नहीं है, है ना। तो यही है कि हर जो सच्चा लव है वो पेड़ पे नहीं फलता, हर पेड़ पे नहीं फलता, मीन्स बहुत ही यूनिक होते हैं वो, कभी कभी हमें बहुत भाग्य में मिलता है ना, आपको केयर करने वाला, आपकी आपकी प्रॉब्लम में अपनी प्रॉब्लम फील करने वाला ऐसा पर्सन हमें बहुत कम मिलता है, सही है ना। नो ट्रू हार्ट आर ईयरली ब्लू, सच्चे हृदय होते हैं वो हर साल नहीं खिलते, हमेशा नहीं खिलते, वो हमें बहुत ही कम मिलते हैं, इसलिए हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और ये भी फैक्ट है कि हम जिससे ज्यादा अपना लगाव रखते हैं उसी के लिए हम रोते भी हैं, रोते हैं कि नहीं उसके जाने पर या उसको तकलीफ होने पर। चलिए तो आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा पोएम अच्छे से, है ना। हम क्वेश्चन लेट अस फाइंड द आंसर्स फ्रॉम द पोएम, बेटा वर्ड मीनिंग मैं आप लोगों को कल तक सेंड कर दूंगी, ठीक है, आप लोग पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लीजिए और इसको नोट कर लेना, ठीक है, आंसर उसके। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई डज द पोएट फील दैट द वर्ड इज स्क्वायर। साथ में हमने देखा ना कि लोगों ने मुझसे बोला द पोएट इज सेइंग दैट दे से द वर्ड इज राउंड एंड येट आई ऑफन थिंक इट इज स्क्वायर। लोगों ने मुझे बोला कि दुनिया गोल है, तब भी मैंने सोचा नहीं ये स्क्वायर है, ये वाइड है,
फर्टिस को ऐसा क्यों लगता है? यस मैम वो विल टेल मी, ये तो अभी सही कर बेटा। मैम द पोएट फील दैट द वर्ड इज स्क्वायर बिकॉज ही थिंक दैट द हर्ट बी गेट फ्रॉम द ईच कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम हियर टू देयर। ओके अनुराग। द पोएट इज सेइंग दैट द वर्ड मेरे माइक कौन कर रही है? बिकॉज वी ऑलवेज गेट hurt by all the corners of the world. Okay, Muskan, what do you think? Ma'am, the poetess feel that the world is square because every corners from here and there she gets hurt. Okay, yes. Gaurav? Yes, ma'am. Ma'am, the poet feel that the world is square because we get little hurts from each corner of the world. So the poet thinks that the world is square. The world is square because she feels that all around the world there are no any true love. है ना? There is no any true love. Means वही लोग हमें नुकसान पहुंचाते हैं तो जिसमें हम believe करते हैं. So she gets hurt everywhere. है ना? So she feels that the world is square. Yes. है ना? ओके क्रिएट स्ट्रेंजर, हम स्ट्रेंजर के साथ कैसा क्रिएट करते हैं? अभी आपने पढ़ाई थी पोएम को थर्ड स्ट्रेंजर में। थिंक, यू ऑल नीड टू थिंक बेटा। प्रशांत यू टेल हाउ डू वी क्रिएट स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर्स के साथ हम कैसा बिहेव करते हैं? वेरी इजी। Yes, ma'am. Karnanshu? Beta, sorry, my call is hanging. Yes, beta, tell. Ma'am, please, sir, stranger, who are you and who, ma'am, uska naam poochte hai, uske baare mein sab kuch janne ki koshish karte hai, uska pata bhi poochte hai. Achha. Poem ke according answer dijiye na. अभिषेक बेटा, अभिषेक यादव बेटा, आवाज आपकी बहुत कट कट के आ रही है। मुस्कान बी ट्रेड्स स्टैंड चल बेटा। मुस्कान अभी से कभी आप थोड़ी बात बोलना, आपकी आवाज कट कट के आ रही थी, थोड़ा नेटवर्क में आ जाइए आप। बेटा गौरव यू टेल। Yes, ma'am. Ma'am, we treat strangers like our guests, and we feel that we are like friends, and we treat like friendly behavior, and we deal full many a thoughtful blows. बेटा ये stranger के साथ हम नहीं करते, stranger के साथ हम क्या करते हैं? यहाँ पे देखिए इस poem में है ना, we please बट फ्लैटरिंग देम, उनकी हम फ्लैटरी करते हैं, उनकी हाँ में लाते हैं, है ना? यस मैम। ओके यस अभिषेक चल। मैम बी ट्रीट स्ट्रेंजर टू प्लीज हिम लाइक अ गेस्ट विद फ्लैटरिंग एंड बी आल्सो शो ऑफ टू हिम। ओके महिमा व्हाट डू थिंक? महिमा यू टेल द आंसर।
अब क्या आवाज क्लियर नहीं हुई बेटा? ओके अनुराग यू टेल बेटा अनुराग अनुराग डिस्कनेक्ट हो चुके हैं अनुराग यस टेल आजकल नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है आप लोग की वजह से आप लोग के यहाँ पे प्रॉपर आवाज नहीं आ रही आप लोग की एनीबॉडी यस मैम डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं बाबा डिस्कनेक्ट हो रहे हैं ना आप लोग चलिए ठीक है ये इस क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे सभी है ना क्वेश्चन नंबर नाइन देखते हैं हम लोग हु आर द वंस दैट रियली हर्ट अस वेरी इजी हु आर द वंस दैट रियली हर्ट अस खुशी व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन खुशी आई एम आस्किंग टू यू कौन है ऐसा जो सच में हमें हर्ट पहुंचाता है पोएम के अकॉर्डिंग नहीं पता काव्यांशु यू टेल बेटा मैम मैम हमारे मैम हमारे जो मित्र में होते हैं हमारे जो मित्र में होते हैं वही प्रशांत यू टेल अभिषेक बेटा अभिषेक यस मैम And the loving ones are that who really hurt us because we believe on him very much. Very good. Okay, Muskan. Ma'am, the ones that really hurt us are those to whom we love very much. Okay, yes. Akhilendra, you tell it. Akhilendra. Ma'am, the ones that really hurt us because we love the loving really hurt us because we trust on them hai na yes Gaurav yes ma'am the ones that really hurt us are those whom we believe or love him very much. Okay, Anurag. The ones who hurt really hurt us are on who we believe very much. Okay, Ratnesh, what do you think? Ratnesh, you tell. What do you think, beta? Ones daily hurt us. Means that I must. Okay. Exercise number B पे आता है. Let's read between the lines. What does the poet mean in these lines? The rankling wound which aches and thrills, it dealt by hands we love. Rankling wound में सबसे ज्यादा आपको अंदर से झकझोर देने वाला जो घाव है वो जो सबसे ज्यादा आपको दर्द देता है वो हमें कहाँ से मिलता है वो हमारे लविंग वंस से मिलता है इस लाइन का मतलब क्या हुआ हु विल एक्सप्लेन दिस लाइन अभिषेक ओके टेल मैम द पोएट्स मीन इन द फर्स्ट लाइन इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द poem the rankling wound which etches and the thrill is dealt by the hand we love are that whom we believe they will give etches and thrill by the defeated by his belief and because we loves them very much okay. anybody else
Anurag, tell. The means of the line, the rankling mound which aches and thrills is dealt by hands we love is that the wound that is given by our family members is not forgettable and the wound that is given by strangers is forgettable. Okay. Means क्योंकि हम वो अगर हमें हम पे गुस्सा भी करते हैं हमें कुछ कह भी देते हैं तो हमें बहुत ज्यादा तकलीफ होती है. अजनबी होते हैं वो हम कहते हैं हमारे लिए पराए हैं वो उनके कहने का कुछ हमें असर नहीं होता. लेकिन अगर अपने कोई हमें ऐसे शब्द बोल दें है ना तो हमें बहुत ज्यादा लग जाता है. क्यों? क्योंकि वो हमारे अपने होते हैं है ना. ओके यस एनीबॉडी एल्स मुस्कान What do you think? Ma'am, the poet means in these lines is that when a stranger hurts or pain us, we forget it easily. But when the persons whom we love, they gives us hurt or pain, we hurt deeply and does not forget it till the life is with us. We can't forget that experience in our whole life. पूरे जीवन में उसको नहीं भूल पाते है ना अगर कोई अपना हमें दर्द देता है तो. Yes. Okay. So I think कर लेंगे तभी है ना. Very easy. Yes. And look at the poetic lines. B. Love does not grow on every tree. Not through hearts early bloom. Love does not grow on every tree. Not true hearts yearly bloom. Very, very, very principal line. Who will explain? Show me hand. जो लव है सच्चा प्रेम जो है वो हर पेड़ पर हर वृक्ष पे नहीं खिलता और ना ही सच्चा जो सच्चे हृदय हैं वो हर साल खिलते हों. क्या मतलब इस लाइन का? Think. सिर्फ अभी से ही मुस्कान ने हैंड सोचिए है. एनीबॉडी एल्स? हरी अब बेटा कभी सोचिए. कितनी बार मैंने समझाया भी तो इस लाइन को. ओके अभिषेक. दैट मीन इन द लाइन लव डजंट ग्रो ऑन एवरी टीम नॉट ट्री नॉट ट्रू हर्ट इयरली ब्लूम इज दैट Neither love or believe grow on every tree for others, and neither the true heart believes each. Okay, फिर आवाज आपकी disconnect हो गई. Yes, Mustan. Ma'am, the poets mean in these lines, love does not grow on every tree, not true hearts early bloom, that there are few persons that know the mean of love, and but there are many persons who doesn't know that what is the love, and when someone believe on them, they give deceive and forget him. बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने मुस्कान. वेरी वेल ट्राइड. बहुत अच्छा. ओके एनीबॉडी एल्स? अनुराग. अनुराग ने हैंड शो किया था. अनुराग से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं. गौरव. इट इज हार्ड बेटा अनुराग. इट इज हार्ड टू फाइंड अ ट्रू लव एंड अ ट्रू हार्ट इन द वर्ल्ड. ओके. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड अ ट्रू लव इन द वर्ल्ड बिकॉज the true heart are very few है ना. बहुत ही कम है ना. Because we find deceit much instead of love. हमें धोखा ज्यादा मिलता है तकलीफ ज्यादा मिलती है निस्वार्थ भावना की अपेक्षा है ना. ओके कर लेंगे सभी. यस मैम. चलिए ठीक है. क्वेश्चन नंबर टू पे आते हैं. व्हाट इज द पोएट्स ओपिनियन ऑफ पीपल इन दिस पोयम. What is the poet's opinion? Poet का विचार क्या है लोगों के बारे में. वो क्या सोचते हैं. Thanks everyone. अभी उन्होंने डिफरेंसेस बताया सच्चे प्रेम में और स्ट्रेंजर्स के प्रेम में.
तो वो लोगों के बारे में अपना क्या एटीट्यूड रखती है. इट इज द वाइड वर्ड एंड देयर आर मेनी मेनी पर्सन इन द जर्नी ऑफ आवर लाइफ. वी मेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल हु थिंक हु हैज डिफरेंट एटीट्यूड ऑफ देयर लाइफ. सम गिव अस लव इंस्टेड सम हेट अस, है ना. कई सारे लोगों का बिहेव जो होता है वो अलग अलग होता है, लोगों की सोच अलग अलग होती है ना. एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड द ट्रू फीलिंग, ट्रू लव एंड ट्रू केयर इन द इन दिस वर्ल्ड एंड अवर इन द वे ऑफ द लाइफ. कर लेंगे. यस मैम. यस मैम. ओके, लेट्स गो बियॉन्ड द पोयम. Do you agree with the poet's view? क्या आपको लगता है कि poetess जो है वो सच बोल रही है, सही है कि सच में हमें उन्हीं से धोखा मिलता है जो हमारे अपने होते हैं, ये रियल है? क्या सोचते हैं आप लोग? रियल है या फिर कभी कभी सिर्फ कभी कभी सच होता है ऐसा, या अधिकतर ऐसा होता है? मुस्कान मैम, आई एम एग्री विद द पोएट्स व्यू बिकॉज नॉट समटाइम्स बट मेनी टाइम्स व्हेन वी बिलीव ऑन समवन वी गेट डिसीव्ड एंड द पर्संस हु आर लकी दे फाइंड द ट्रुथ हर्ट. ओके, वेरी गुड वेरी गुड. द पर्सन आर लकी हु फाइंड द ट्रू लव, है ना, ट्रू फीलिंग. अक्सर मतलब हमेशा नहीं सही होता लेकिन अक्सर ऐसा होता है ना. सो आई थिंक वी आर एग्री विद द पोएट्स व्यू. हम लोग एग्री है ना महिमा, व्हाट डू यू थिंक, आप एग्री है या नहीं? आपको आपके फ्रेंड ने कभी ऐसा ऐसा चोट पहुंचाया है? नो no. तो आप थोड़ी कम एग्री होंगी ना, आपको कम लगता होगा कि नहीं ऐसा नहीं होता. अभिषेक, व्हाट डू यू थिंक? Yes, ma'am. Yes, ma'am. I agree from with the poet's view because only some are in the world which get the true love or believe from others, and most of them get deceived from others. Yes, very good. So I think आप सभी कर लेंगे. Yes, beta Anurag, चल. What do you think? I agree with the poet's views because once from 100 get I'll get a true love. Okay, yes. Anybody else? Gauru, what's your opinion? Yes, ma'am. I agree with the poet's view because in the world there are few people that gets true heart or love, and all gets deceived from the people. ओके बेटा, चलिए. तो ये आपका आज का वर्क है, यू हैव टू डू कंप्लीट टुडे, ठीक है. एंड कल के लिए भी होमवर्क मैं बुक फ्री से दे देती हूँ, इसी से रिलेटेड रीडिंग जंक्शन के जो एक्सरसाइजेस हैं. ओके, यस मैम. ये आपका नेक्स्ट डे के लिए होमवर्क रहेगा. ये चैप्टर जो है बहुत लेंदी है बेटा, हम लोग को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, ठीक है. इसलिए आप लोग अपना ये भी क्लास मिस मत करिए और टॉपिक को अच्छे से समझिए, ठीक है. यस मैम. यस. यस, क्वेश्चन आपका वन ही क्वेश्चन है, ठीक है. ध्यान से देखिए इसमें. आंसर दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पोयम. द पोएट poem talks about how we often hurt our loved one more deeply than we would ever hurt someone who is not too close to us. देखिए, fact of the life, ये poem हमको ये बताता है कि कैसे हमें अक्सर अधिकतर हमारे loved one जो होते हैं, हमारे जो अपने होते हैं, इसको बहुत ज्यादा हम प्रेम करते हैं, उनसे हमें गहरा चोट पहुंचता है. किसकी अपेक्षा? ऐसे लोगों की अपेक्षा जो हमारे ज्यादा क्लोज नहीं होते,
मतलब ऐसे लोगों से हमें हर्ट नहीं होता जो हम हमारे ज्यादा क्लोज नहीं होते, क्योंकि हम उनसे ज्यादा जुड़े नहीं होते तो उनसे इमोशनल अटैचमेंट हमें नहीं होता, लेकिन हमारे जो अपने होते हैं उनसे हम हर तरीके से क्लोज होते हैं और उनसे उनकी बातों से उनके द्वारा जो भी हर्ट हमें पहुंचता है वो हम कभी भी नहीं बोलते, है ना। सो व्हाट इज द कॉज बिहाइंड दिस, इसके पीछे रीजन क्या है, Why are our loved one affect more deeply by our action? क्यों हमारे जो अपने होते हैं उनका एक्शन हमें ज्यादा इफेक्ट करता है? Think and you have to write your experience, okay? सभी को समझा दिया गया है कैसे करना है, I think सभी कर लेंगे इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से, है ना? Yes ma'am. Yes ma'am. So this is work for tomorrow, okay? ये कल का होमवर्क है बेटा, have you any question? Yes. किसी को कुछ पूछना है अभी चैप्टर में हमने जो पढ़ा, जो पोएम पढ़ा, जो क्वेश्चंस पढ़े? नहीं? नो मैम। चले बेटा फिर आज करते हैं, तो हम लोग एंड करते हैं। गुड बाय, टेक केयर एवरीवन। गुड बाय मैम।